धूम मचाती है। जो नतीजे आए हैं वो आप सबके सामने है। बस उसी के जश्न से पूरा देश जगमगा उठा है। उसी के साथ ही नागपुर शहर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हनुमान चालीसा वितरण कर मिठाई बांटकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया गया। कर्नाटक की 224 सदस्य विधानसभा के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जहां कांग्रेस ने 135 सीटों पर दमदार जीत हासिल की है। जब से नतीजे सामने आए हैं तब से पूरे देश में कांग्रेस पक्ष के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लगातार कल से जीत के जश्न का सिलसिला जारी है। उसी प्रकार नागपुर शहर में भी जोरों शोरों से जश्न मनाया गया है। शहर के मेडिकल चौक में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, साथ ही हनुमान चालीसा का वितरण भी किया गया। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव गिरीश पांडव ने कहा कि बजरंगबली जो कि चमत्कारी है, उन्होंने कांग्रेस के हित में चमत्कार दिखाया है, जिसके चलते हनुमान मंदिर परिसर में जश्न मनाकर हनुमान चालीसा का वितरण कर रहे हैं। कांग्रेस के विजय के अंदर में सबसे पहले तो मैं कर्नाटक के जनता को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से वोटिंग कांग्रेस पक्ष को दिया हुआ है उसी के आधार के ऊपर कांग्रेस वहाँ जीत के आई है। और आज हम यहाँ पर नागपुर के अंदर में बजरंगबली के मंदिर के अंदर में जो यहाँ पर हमने जो हनुमान चालीसा वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है और जिसी प्रकार के हमने लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, हमारा कहना ऐसा है कि बजरंगबली ये कोई बीजेपी का कोई ये नहीं है, कांग्रेस को आशीर्वाद बजरंगबली ने दिया हुआ है और बजरंगबली के आशीर्वाद से ही कांग्रेस कर्नाटक के अंदर में सत्ता में आई हुई है और इसीलिए आज हमने बजरंगबली के मंदिर में ये प्रोग्राम किया हुआ है। जिस प्रकार बीजेपी राम का नाम लेके प्रचार करती है और वोट मांगती है, यहाँ पर जिस प्रकार उन्होंने बजरंगबली का नाम लिया है, बजरंगबली ये चमत्कारी है और उन्होंने चमत्कार दिखा दिया है और कांग्रेस के फेवर में चमत्कार दिखा दिया है, इसीलिए आज हम ये बजरंगबली के मंदिर में ये जो है लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है हमने। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।